स्टार्ट करते हैं हम एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 7 कंप्लीट कर ली थी, सेक्शन 8 से आज हमें कंप्लीट करना है। तो सेक्शन 8 ऑफ एमपी एकोमोडेशन एक्ट बात करती है लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टेन केसेस एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस। मानक भाड़े में कतिपय दशाओं में विधिपूर्ण वृद्धि तथा अन्य प्रभारों की वसूली। इस सेक्शन में बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड रेंट हमने लास्ट प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था सेक्शन 7 में, क्या उसमें इंक्रीज किया जा सकता है, कितना परसेंट इंक्रीज किया जा सकता है, कौन इंक्रीज करवा सकता है, क्या कंडीशंस होंगी, वो सारी चीजें हम इसमें पता रहेंगी। ठीक है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन। ये तो देखिए पढ़ते अंदर इसको। सेक्शन 8 में लिखा है कि वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद और विदाउट द अप्रूवल ऑफ द टेनेंट। ठीक है, तो जहां पे लैंडलॉर्ड किसी भी समय इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले यदि रेंट में इंक्रीज कराना चाहता है ना, या अभी आगे और कंडीशंस पढ़ेंगे, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद और विदाउट द अप्रूवल ऑफ द टेनेंट। तो अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले की बात है तो टेनेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसके अप्रूवल ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद द रिटन अप्रूवल ऑफ द टेनेंट और ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी। लेकिन यदि इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद है, लॉफुल इंक्रीज की बात कर रहे हैं इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, तो फिर टेनेंट की या फिर आरसीए की रिटन अप्रूवल ही चाहिए होगी। तो पहले तो ये दो कंडीशन याद रखनी है कि अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट के पहले, इस एक्ट मतलब एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 की कमेंसमेंट के पहले का मैटर है, तो टेनेंट की किराएदार के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद की बात है तो फिर टेनेंट और रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी की रिटन कंसेंट, ठीक है, क्या होगा आगे पढ़ते हैं। इनक्योर्ड एक्सपेंडिचर फॉर एनी इंप्रूवमेंट और स्ट्रक्चरल एडिशन और स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन द एकोमोडेशन नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन और टेंटेबल रिपेयर्स नेसेसरी और यूजल फॉर सच एकोमोडेशन एंड द कॉस्ट ऑफ दैट इंप्रूवमेंट एडिशन और अल्टरेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन डिटर्मिनिंग द रेंट ऑफ द एकोमोडेशन द लैंडलॉर्ड मे लॉफुली इंक्रीज द स्टैंडर्ड रेंट पर ईयर बाय एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द रेंट पेबल फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, एक बार इसको हिंदी की लैंग्वेज में पढ़ते उसके बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहां किसी भूस्वामी ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले अभिधारी के अनुमोदन से या उसके अनुमोदन के बिना या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात अभिधारी या भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन से किसी भी समय कोई व्यय उस स्थान में कोई सुधार वृद्धि या संरचना संबंधी परिवर्तन करने के लिए किया हो जो कि ऐसे स्थान के लिए आवश्यक या प्रायिक सजावट या अभिधारी वास मरम्मत पर किया गया व्यय ना हो और उस सुधार वृद्धि या परिवर्तन के खर्च को उस स्थान का भाड़ा अवधारित करने में हिसाब में नहीं लिया गया हो, तो भूमि स्वामी प्रतिवर्ष मानक भाड़े में विधिपूर्वक ऐसी रकम तक की वृद्धि कर सकेगा जो तत्समय देय भाड़े के 10% से अधिक ना हो। ठीक है, तो सेक्शन 8 में सबसेक्शन 1 जो है वो आपका क्या कह रहा है कि जब कभी भी किसी लैंडलॉर्ड को, किसी भूस्वामी को ऐसे एकोमोडेशन में जो वो किराए पर दिए हुए है, ऐसे एकोमोडेशन में क्या कराना है, कोई भी इम्प्रूवमेंट करानी है, कोई अल्टरेशन कराना है, एडिशन कराना है, और ऐसा इम्प्रूवमेंट एडिशन और अल्टरेशन कैसा नहीं है, नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन और टेंटेबल रिपेयर्स नेसेसरी और
यूजर, ऐसा जो इम्प्रूवमेंट एडिशन या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन उसने कराया है वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डेकोरेशन या टेंटेबल रिपेयर जरूरी वाला नहीं है. मतलब ऐसा नहीं था कि वो कराना आवश्यक था. मतलब उसने मकान में जो भी इम्प्रूवमेंट या कोई एडिशन या कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन कराया है, मतलब कुछ बनवाया है, कोई इम्प्रूवमेंट करवाया, कुछ पेंट करवाया, लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर जो भी उसने किया है, जो भी खर्चा, वो कैसा खर्चा नहीं है, वो जरूरी खर्चा नहीं था. मतलब लैंडलॉर्ड की साइड से करवाना जरूरी नहीं था. ऐसा नहीं था कि भाई वो रहने योग्य बनाने के लिए करवाया है. अगर ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट, ऐसा कोई एडिशन, ऐसा कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन होता जो उस मकान को रहने योग्य बनाने के लिए करना आवश्यक होता, तो फिर वो खर्चा करने का लायबिलिटी लैंडलॉर्ड की खुद की ही होती. उसके लिए वो रेंट में इंक्रीज नहीं कर सकता है. ठीक है, ध्यान रखना. अगर किसी भी मकान को जो किराए पर देना होता है, अगर उस मकान में रिपेयरिंग की जरूरत है, और वो रिपेयरिंग कैसी है, ऐसी रिपेयरिंग है जो रहने के लिए ही जरूरत है. मतलब अगर उस मकान में मकान मालिक ऐसी रिपेयरिंग नहीं करवाएगा तो वो रहने योग्य ही नहीं है. तो यदि नेसेसरी है, नेसेसरी खर्चा है जो रहने योग्य बनाने के लिए है, तब अगर ऐसा खर्चा करवाया, ऐसा खर्च करके कोई इम्प्रूवमेंट कराया है और जो भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, उसके लिए वो रेंट में इंक्रीज नहीं कर सकता. ठीक है ना, तब वो रेंट में इंक्रीज नहीं कर सकता. रेंट में इंक्रीज वो सिर्फ कब कर सकता है, जब नेसेसरी खर्चा नहीं था. कोई भी इम्प्रूवमेंट एडिशन या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन उसने जो एकोमोडेशन में करवाया है, जो एक्सपेंडिचर कैसा है, डेकोरेशन के लिए नहीं है, मकान के डेकोरेशन के लिए नहीं है, ना ही टेंटेबल रिपेयर्स है, नेसेसरी और यूजुअल फॉर सच एकोमोडेशन. उस मकान को रहने योग्य बनवाने के लिए कोई खर्चा नहीं है, बस ऐसे ही है, नॉर्मल उसने कुछ करवाया है. और ऐसा जो खर्चा उसका हुआ है इम्प्रूवमेंट एडिशन या स्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर करवाने में, ऐसा जितना भी जो कॉस्ट हुआ है, वो उसने जब उसने रेंट फिक्स किया था तब उसने वो नहीं जोड़ा उसमें. इन डिटरमिनिंग द, इसमें वर्ड्स भी लिखा हुआ है, ऐसा अल्टरेशन एडिशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन डिटरमिनिंग द रेंट ऑफ सच एकोमोडेशन. जब आप किराए पर मकान दे रहे थे तब आपने उसमें ये सब खर्चे नहीं जोड़े. मतलब आपने कहा कि यार हमने अपने मकान में जो है बहुत महंगे नल लगवाए हुए हैं, है ना, या बाद में कोई इम्प्रूवमेंट करवा दिया है, लेकिन आपने उसका खर्चा नहीं जोड़ा है, तो लैंडलॉर्ड जो है वो मे लॉफुली इंक्रीज द स्टैंडर्ड रेंट पर ईयर. तब फिर वो हर साल कितना रेंट बढ़ा सकता है, 10% बढ़ा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द रेंट पेबल फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है, तो ध्यान रखना है. लेकिन ऐसा रेंट इंक्रीज में जो रेंट है ये जो 10% बढ़ा सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लैंडलॉर्ड है उसने ये जो एक्सपेंडिचर, ये जो व्यय इंक्योर्ड किया है कोई इम्प्रूवमेंट एडिशन और अल्टरेशन कराने के लिए एकोमोडेशन में, तो ये किसकी कंसेंट से होना चाहिए. इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट के पहले करवाया गया है ये सब खर्चा, तो फिर टेनेंट की कंसेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है. लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद द रिटन अप्रूवल ऑफ द टेनेंट और द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इनक्योर्ड एक्सपेंडिचर, अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कोई इम्प्रूवमेंट एडिशन और स्ट्रक्चर अल्टरेशन कराना है, तो रिटन अप्रूवल आपको टेनेंट का, किराएदार का भी लेना होगा, या फिर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का रिटन अप्रूवल लेना होगा आपको इस चीज के लिए कि हम कोई इम्प्रूवमेंट एडिशन और स्ट्रक्चर अल्टरेशन करा रहे हैं जिसमें, और फिर अप्रूवल, रिटन अप्रूवल लेने के बाद जो भी खर्चा आया है. ठीक है, और वो खर्चा कैसा नहीं होना चाहिए, तो ये वाली लाइन याद रखना है. यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सेक्शन 8 में जो लॉफुल इंक्रीज किया जाता है 10% का, तो वो कौन से खर्चे होते हैं. तो आपको पहला ऑप्शन तो बनेगा पहली वाली लाइन से कि इनक्योर्ड एक्सपेंडिचर फॉर एनी इम्प्रूवमेंट एडिशन और स्ट्रक्चरल अल्टरेशन. लेकिन कैसा नहीं होगा वो, नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन और टेंटेबल रिपेयर. ठीक है, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं. और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लॉफुल इंक्रीज कितना परसेंट होगा, तो 10% होगा, वो भी पर ईयर. पर ईयर 10% लॉफुल इंक्रीज कर सकता है. एक बार हिंदी में इसके वर्ड देख लेंगे हम.
हिंदी में देखिए वर्ड क्या लिखे हैं, जो कि ऐसे स्थान के लिए आवश्यक या प्रायिक सजावट, आवश्यक या प्रायिक सजावट या अभिधारी वास्तु मरम्मत पर किया गया व्यय ना हो। तो यदि आवश्यक है मकान के लिए ऐसा रिपेयर कराना आवश्यक है, या प्रायिक सजावट के लिए आपने करवाया है, या उसको अभिधारी वास्तु मतलब जो किराएदार है किराएदार के रहने योग्य मरम्मत कराने के लिए बहुत जरूरी था इसलिए करवाया है, तो अगर ऐसा खर्चा करवाया तो उसके लिए आप रेंट भी बढ़ाओगे। वो तो मकान मालिक की दायित्व ही है। आप किसी को यदि मकान किराए पर दे रहे हो तो ऐसा तो दोगे ना कि वो रहने योग्य हो। ऐसा नहीं कि प्रतिला ऊपर से जो छत है उस पर से सीमेंट झड़ रहा है और आपने रहने दे दिया, कभी भी गिर सकता है। तो ऐसे में तो किराएदार की जान माल के लिए हानि है, तब नहीं। तो वो तो मकान मालिक का करवाने का दायित्व, तो ऐसा खर्चे के लिए वो किराया नहीं बढ़वा सकता। इसके अलावा जो खर्चे उसने इंक्योर्ड किए हैं वो भी कैसे, विद द परमिशन ऑफ टेनेंट और आरसीए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले की बात है तो फिर टेनेंट की या आरसीए की कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें कौन से एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होते हैं, प्रायिक सजावट या अभिधारी वास्तु मरम्मत पर किया गया व्यय इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और कितना इंक्रीज हो सकता है, लॉफुली 10% हो सकता है। अब देखिए सबसेक्शन इसका 2। सबसेक्शन 2 में कहा गया है, जहां कोई भू स्वामी किसी स्थान के संबंध में कोई प्रभार जो इस स्थान में उपयुक्त विद्युत या जल के लिए हो, या उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्ग्रहित किया गया कोई ऐसा अन्य प्रभार, प्रभार मतलब चार्जेस, जो कि मामूली तौर से अभिधारी द्वारा देय हो चुकाना है, वहां वह उसके द्वारा इस प्रकार चुकाई गई रकम अभिधारी से वसूल कर सकेगा, किंतु भू स्वामी धारा 7 में यथा उपबंधित के सिवाय भवन या भूमि पर के ऐसे कर कि जो अभिधारी के अधिभोग में के किसी स्थान के संबंध में अधिरोपित किया गया हो, किसी रकम को चाहे भाड़े में वृद्धि करके या अन्यथा वसूल नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में लैंग्वेज देख लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसको क्या लिखा हुआ है। वेयर अ लैंडलॉर्ड पेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एकोमोडेशन एनी चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी और वॉटर कंज्यूम्ड इन द एकोमोडेशन और इन एनी अदर चार्जेस लेवीड बाय अ लोकल अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द एरिया Which is ordinarily payable by the tenant. मतलब ऐसे charges, अब ये ऐसे charges की बात कर रहे हैं जैसे light का किराया है ना, जो water किराएदार use कर रहा होगा, पानी use कर रहा होगा, machine वगैरह use करता होगा, या ऐसे कोई भी other charges जो local authority द्वारा लिए जाते हैं, है ना, local authority जो मकान पे tax वगैरह लेती है, या कुछ भी और other charges जो लेते हैं, वो charges जो कि ordinarily किसके द्वारा payable है, किराएदार के द्वारा ही पेबल है। जैसे आपको पता होगा नॉर्मली यदि हम किसी को मकान किराए पर देते हैं तो किराएदार ही अपने हिस्से में जो भी वो लाइट यूज कर रहा है उसका भी बिल वो पे करता है, वाटर वगैरह वो भी यूज कर रहा है, पानी वगैरह जो लेता है वो उसका भी पेमेंट करता है, अगर मशीन लगी हुई है बोरिंग की तो वो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में काउंट करता है, अगर यदि अलग से नगर पालिका वाले नल लगे हुए हैं अगर वो उस नल का यूज करता है तो जो नल का पेमेंट अपन भरते हैं मंथली उसमें से भी कई मकान मालिक जो है ले लेते हैं कि भाई आप इतना पानी यूज कर रहे हैं तो इसका आपको आधा पैसा देना पड़ेगा। तो ये चार्जेस की बात करें तो ऐसे चार्जेस जिनको किराएदार देने के लिए लायबल है, ऑर्डिनरीली उसका ही दायित्व है, लेकिन अभी कौन पे कर रहा है, लैंडलॉर्ड दे रहा है, उसके बिहाफ में लैंडलॉर्ड ऐसा बिल पे कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, वाटर वगैरह का, तो लैंडलॉर्ड ऐसा जो पेमेंट है, जो चार्जेस ऐसे अदर चार्जेस है वो रिकवर कर सकता है टेनेंट से, है ना, तो बाद में बोले सकता है। जैसे सपोज करिए कि लाइट का बिल आया, मकान मालिक ने दे दिया किराएदार का, लेकिन वो क्या कर सकता है, टेनेंट से या अभिधारी से ऐसा बिल रिकवर कर सकता है जो उसने पे किया है। बट द लैंडलॉर्ड शैल नॉट सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7 रिकवर फ्रॉम द टेनेंट वेदर बाय मींस ऑफ एन इंक्रीज इन रेंट और अदरवाइज द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स on building or land imposed in respect of the accommodation occupied by the tenant. अब क्या कह रहे हैं ये कि लेकिन tenant से landlord जो है वो किराएदार से ऐसा कोई
टैक्स के फॉर्म में अमाउंट जो बिल्डिंग या लैंड पर टैक्स के फॉर्म में जो अमाउंट इम्पोज किया जाता है ऐसा वाला रिकवर नहीं कर सकता है जो सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था। सेक्शन 7 में क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनको पे करने की लायबिलिटी किसकी नहीं होती है, पेरेंट की नहीं होती, जैसे हाउस टैक्स फॉर एग्जाम्पल। हाउस टैक्स अगर हाउस टैक्स है तो हाउस टैक्स तो मकान मालिक पे करता है, हाउस टैक्स किराएदार थोड़ी भरेगा आपका। तो कुछ ऐसे टैक्सेस जो बिल्डिंग या लैंड पे होते हैं जिनको पे करने के लिए टेनेंट लायबल नहीं होता, ऑलरेडी जो सेक्शन 7 में हम पढ़ सकते हैं वो रिकवर नहीं कर सकते बस हम, ठीक है। लेकिन फिर एक प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी टेनेंट अंडर एन एग्रीमेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू पे फ्रॉम टाइम टू टाइम द अमाउंट ऑफ एनी सच टैक्स एज अफोर्डेड। फिर क्या कहा इन्होंने कि लेकिन यदि टेनेंट के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट के कारण जो किराएदार है वो लायबल है पे करने के लिए कोई टैक्स टाइम टू टाइम, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। यदि टेनेंट का लैंडलॉर्ड के साथ, मकान मालिक के साथ, किराएदार का कोई एग्रीमेंट हो गया है कि समय समय पर वो एक पर्टिकुलर टैक्स देगा, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्रोविजन का, फिर वो पे कर सकता है। क्योंकि हमने सेक्शन 7 में स्टैंडर्ड रेंट जब हम पढ़े थे हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर म्यूनिसिपल टैक्स बढ़ा दिया गया है और ऐसा म्यूनिसिपल टैक्स जो टेनेंट जो है, किराएदार जो है, वो देने के लिए लायबल नहीं है, तो मकान मालिक क्या करता है उस टैक्स के बराबर का किराया स्टैंडर्ड रेंट के तौर पे ले सकता है। ये हम ऑलरेडी सेक्शन 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था कि ऐसा कोई भी मकान जिसपे म्यूनिसिपल टैक्स पे होता है, जिसको पे करने के लिए टेनेंट लायबल नहीं है, तो टेनेंट डायरेक्टली तो नहीं देता, लेकिन मकान मालिक उतना किराया जो है एज स्टैंडर्ड रेंट इक्वल अमाउंट ले सकता है जितना टैक्स बढ़ गया, जितना टैक्स इंक्रीज हो गया है उस टैक्स के बराबर का स्टैंडर्ड रेंट जो है मकान मालिक किराएदार से ले सकता है। तो यहाँ पर यही वाली बात की कर दी गई एक टाइप से घुमा फिरा के कि टेनेंट के साथ क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया है कि भाई टैक्स आप डायरेक्टली टैक्स पे कर दो, सपोज करो, है ना, एक्सप्रेस या एम्प्लाइड कैसा भी एग्रीमेंट हो गया है तो पेमेंट फिर कर सकते हो। फिर इस जो प्रोविजन हमने ऊपर पढ़ा ये वाला कि सेक्शन 7 में अगर ऐसा कोई अमाउंट है जो टैक्स के फॉर्म में पेबल है वो नहीं रिकवर कर सकते तो फिर कर सकते अगर एग्रीमेंट हो गया है तो, ठीक। अब देखते हैं ये हो गई हमारी सेक्शन 7 हो गई। अब सेक्शन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9। नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट, ठीक है। सेक्शन 9 में अब बताया है कि सेक्शन 8 में जो रेंट का इंक्रीज करवाना है 10% बढ़ाना है तो सबसे पहले एक नोटिस देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, बिना नोटिस दिए इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं रेंट में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर अ लैंडलॉर्ड विशेस टू इंक्रीज द रेंट ऑफ एनी एकोमोडेशन ही शैल गिव द टेनेंट notice of his intention to make the increase and in so far as such increase is lawful under this act it shall be due and recoverable only in respect of the period of tenancy after the expiry of 30 days from the date on which the notice is given, theek hai। to landlord ko kabhi bhi kiraya badhwana hai तो अपने इस आशय का एक नोटिस उसको किराएदार को भिजवाना होगा कि वो किराया बढ़ाना चाहता है और ऐसा किराया किस तारीख से ड्यू होगा और किस तारीख से रिकवरेबल होगा। तो ऐसा नोटिस जिस दिन भिजवाया गया है, जिस तारीख को ऐसा नोटिस भिजवाया गया है, उस नोटिस भिजवाने की तारीख से 30 दिन जब एक्सपायर हो जाएंगे, है ना, जैसे सपोज करो आज तारीख है अपनी कितनी, आज तारीख है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को हमने नोटिस भिजवाया है तो 10 दिसंबर को नोटिस भेजा गया तो 10 दिसंबर से 30 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 30वें दिन पे ये जो रेंट है ये ड्यू एंड रिकवरेबल होगा। तो जो इंक्रीज रेंट है वो कब से रिकवरेबल होगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज गिवन। तो
10 तारीख को हमने नोटिस भिजवाया, ठीक है, तो आपका नोटिस 30 दिन कब से कंप्लीट होंगे, 9 जनवरी समथिंग कुछ, है ना, तो 9 जनवरी से अब जो ये आपका इंक्रीज रेंट है ये ड्यू एंड रिकवरेबल होगा, कि अब 9 जनवरी से आपका शुरू हो गया, आपको इंक्रीज बढ़ा हुआ रेंट देना पड़ेगा 9 जनवरी से, ठीक है। तो ध्यान रखना है नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट, कि आपको इंक्रीज करवाना है रेंट में तो उसकी सूचना भेजनी पड़ती है कि मकान मालिक को सूचना भेजनी पड़ती है, और सूचना भेजेंगी तो सूचना भेजने की तारीख से 30 दिन के बाद ऐसा जो अमाउंट है वो ड्यू एंड रिकवरेबल होता है। एक बार हिंदी में भी लैंग्वेज देख लेते हैं इसकी, 90, भाड़े में वृद्धि की सूचना, जहां कोई भूस्वामी किसी स्थान का भाड़ा मीन्स किराया बढ़ाना चाहता है वहां वह वृद्धि के अपने आशय की सूचना अभिधारी को देगा, और ऐसी वृद्धि जहां तक कि वह इस अधिनियम के अधीन विधि पूर्ण हो अभिधृति की केवल उस कालावधि के संबंध में ही शोध तथा वसूली योग्य होगी जो उस तारीख से जिसको की ऐसी सूचना दी गई हो 30 दिन का अवसान हो चुकने के पश्चात की होगी, ठीक है। तो ऐसा जो इंक्रीज्ड रेंट है ये इफेक्टेड कब से माना जाएगा, नोटिस भिजवाने की तारीख के बाद 30 डेज एक्सपायरी होने के बाद की पीरियड ही माना जाएगा, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखेगा, है ना, भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखेगा, कि किराया बढ़वाना चाहता है लैंडलॉर्ड तो किराया बढ़वाने की उसने नोटिस दे दी तो पता चला कि पिछले का भी वो मांगने लगा कि 6 महीने से ये हमारे मकान में रह रहा है तो पिछले 6 महीने का भी हमें जो है बड़ा जो आप किराया हम बढ़वाना चाह रहे हैं 10%, तो ये पिछले 6 महीने का भी दे 10%, वो नहीं होगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। जिस तारीख को आप नोटिस भिजवाओगे उस तारीख से 30 दिन बाद का जो समय आएगा तब से इंक्रीज रेंट जो है ड्यू एंड रिकवरेबल होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अभिधति की केवल उस कालावधि के संबंध में ही शोध तथा वसूली योग्य होगी जो उस तारीख से जिसको की ऐसी सूचना दी गई हो 30 दिन का अवसान हो चुकने के पश्चात की होगी। तो आफ्टर द 30 डेज जो किराया बढ़ेगा वो 30 डेज के बाद आपका ड्यू एंड रिकवरेबल होगा। अब नाउ नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 2, every notice under subsection 1 must be in writing signed by or on behalf of the landlord and either be sent by the registered post acknowledgement due to the tenant or be tendered or delivered personally to him or to one of his family members or servant at his residence, or if such tender or delivery is not practicable affixed to a conspicuous part of the acknowledgement। तो ये आपको नोटिस भेजने का तरीका बताया है, मोड ऑफ नोटिस, है ना, कि आपको कैसे नोटिस भिजवाना है वो तरीके बताए। तो नोटिस राइट रिटिंग में होगा, लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर होंगे उस पे, या तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा या फिर पर्सनली डिलीवरी दे करके उसको नोटिस भिजवाया जाएगा, या फिर उसके फैमिली के किसी मेंबर्स को भी भिजवा सकते हैं, सर्वेंट को इसमें सर्वेंट को भी नोटिस जो है सर्व किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या जो नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट है वो सर्वेंट को भिजवाया जा सकता है। आपको ऑप्शन देंगे तो जैसे दे देंगे वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, सर्वेंट, ऑल ऑफ एवर, नन ऑफ देयर, आपको लगाना है ऑल ऑफ एवर। अगर ऑप्शन अलग अलग आए कि फैमिली मेंबर को भी दिया जा सकता है, सर्वेंट को भी दिया जा सकता है, लेकिन सर्वेंट कैसा होगा, एट हिज रेसिडेंस, जो साथ में निवास कर रहा हो सर्वेंट वो, ठीक है, वो उसको दिया जाएगा। और अगर पर्सनली नहीं दिया जा पा रहा है, मतलब हो सकता है कि टेनेंट जो है नहीं हो, नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी है, तो फिर एकोमोडेशन का जो कॉन्स्पिशियस पार्ट है, जो ऐसा सहदृश्य पार्ट बोलते हैं हिंदी में, जो दिखने वाला हिस्सा है, तो उसके बिल्डिंग पे जाकर चिपका दिया जाएगा वो नोटिस कि इंक्रीज हो गया है। एक बार हिंदी में भी लैंग्वेज देखेंगे इसकी, सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, उपधारा 1 के अधीन की प्रत्येक सूचना लिखित में होगी, भू स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होनी चाहिए, तो एक तो रिटन फॉर्म में होगी, दूसरा उसके हस्ताक्षर होंगे, और अभिधारी को या तो रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, मतलब पोस्ट बाय पोस्ट आपको भिजवाना है नोटिस, भेजा जाना चाहिए, या उसे उसके निवास स्थान पर स्वयं या उसके कुटुंब के सदस्यों या उसके नौकर में से किसी एक सदस्य या नौकर को निविदत्त या परिदत्त किया जाना चाहिए। तो या तो उसको पर्सनली दिया जाएगा
या उसके फैमिली मेंबर को कुटुंब के किसी सदस्य को दिया जाएगा, या बहुत सारे नौकर है तो नौकरों में से किसी एक सदस्य को या नौकर को दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब बाय पोस्ट या बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसकी बिल्डिंग पे सहदृश पार्ट पे चिपका दिया जाएगा, जो पार्ट दिखने वाला है, फ्रंट वाला एरिया, वहां पे चिपका दिया जाएगा। ये मोड ऑफ नोटिस हो गया, कैसे सर्विंग कैसे सर्व किया जाएगा। सेक्शन 9 हो गई आपकी। सेक्शन 10, नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सेक्शन 10 देखते हैं आप। सेक्शन 10 है रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है? रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कहां बताया गया है? सेक्शन 10 में। सेक्शन याद रखनी है कि स्टैंडर्ड रेंट कौन से सेक्शन के अंदर फिक्स किया जाता है? सेक्शन 10 के अंतर्गत। कौन करता है? रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी करता है। कैसे करता है? तो एप्लीकेशन पे। रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी फिक्स करेगा तो एप्लीकेशन पे। किसकी एप्लीकेशन पे? आइदर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट। एप्लीकेशन कौन दे सकता है स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कराने के लिए? कोई भी दे सकता है। लैंडलॉर्ड भी दे सकता है, टेनेंट भी दे सकता है, भूमि स्वामी भी दे सकता है, और भू अभिधारी भी दे सकता है, मतलब मकान मालिक भी दे सकता है एप्लीकेशन स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स कराने के लिए, किराएदार भी दे सकता है। ठीक है, देखिए तब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है स्पष्ट। द रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी शैल on the application made to it in this behalf either by the landlord or by the tenant in the prescribed manner fix in respect of any accommodation. So rent controlling authority landlord या tenant की किसी की भी application पे prescribed manner में जो application दी गई है उस पर fix कर सकता है किसी accommodation के लिए। क्या क्या fix कर सकता है? पहला standard rent जो section 7 में पढ़ा हमने, इंक्रीज्ड रेंट जो 8 में पढ़ा हमने, स्टैंडर्ड रेंट सेक्शन 7 के अंदर बताया गया तो वो वाला स्टैंडर्ड रेंट, फिर इंक्रीज करवाया 10% का तो वो भी आरसीए करेगा इंक्रीज्ड रेंट। ठीक है, एक बार हिंदी में भी सबसेक्शन 1 को देखेंगे फिर सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किसी ऐसे आवेदन पर जो या तो भूस्वामी द्वारा या अभिधारी द्वारा इस निमित्त उसे विहित रीति में किया गया हो, किसी स्थान के संबंध में मानक भाड़ा धारा 7 के उपबंधों के अनुसार या धारा 8 में यथा विनिर्दिष्ट वृद्धि यदि कोई हो नियत करेगा। ठीक है, तो कौन करता है फिक्स? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। कैसे? आवेदन पर। कौन देता है आवेदन फिक्स कराने के लिए मानक भाड़े को? भूस्वामी भी दे सकता है, अभिधारी भी दे सकता है। और क्या क्या फिक्स किया जाता है फिर? सेक्शन 7 के अंतर्गत का मानक भाड़ा और सेक्शन 8 के अंतर्गत जो लॉफुल इंक्रीज हुआ है उसको। ठीक, फिर सबसेक्शन 2 देखिए। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? किसी स्थान का मानक भाड़ा या उसकी विधिपूर्ण वृद्धि नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कोई ऐसी रकम नियत करेगा जो उसे धारा 7 या 8 के उपबंधों तथा उस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त प्रतीत हो। तो ये प्रोविजन को ज्यादा ऐसा खास नहीं, बस नॉर्मल सी बात बता दी है कि जब भी जो रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी है स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा या सेक्शन 8 के अंतर्गत लॉफुल इंक्रीज फिक्स करेगा तो रेंट कंट्रोलिंग ऑथोरिटी शैल फिक्स एन अमाउंट व्हिच अपीयर्स टू इट रीजनेबल। तो कैसा फिक्स करेगा? जो उसको रीजनेबल लगेगा। हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 और 8 एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस, है ना? जैसा भी उसको उचित लग रहा है कि कितना फिक्स हो सकता है तो अपने हिसाब से फिक्स कर देगा। सबसेक्शन 3 देखिए। इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन पार्ट ऑफ व्हिच हैज बीन लॉफुली सबलेट द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे आल्सो फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द पार्ट सबलेट। अब कह रहे हैं कि यदि किसी अकोमोडेशन का कोई पार्ट है उसको सबलेट किया गया है। सबलेट मतलब कोई अकोमोडेशन है, कोई मकान है, वो किराए पर है और उस मकान का कोई जो पार्ट है, एक हिस्सा है, वो फिर से दूसरे किसी किराएदार को भी सबलेट कर दिया गया है। मतलब एक किराएदार है और एक किराएदार जिस मकान में रह रहा है उसके एक पार्ट को किसी और पर्सन, थर्ड पर्सन को फिर से किराए पर दिया गया, उसको बोलते हैं सबलेट। तो अगर सबलेट किया गया तो उस पार्ट का जो सबलेट पार्ट है उस पार्ट का भी स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स कर सकता है? आप भी ये फिक्स कर सकता है। तो मेन एकोमोडेशन का रेंट भी कर सकता है स्टैंडर्ड रेंट और सबलेट पार्ट का भी कर सकता है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं इसको एक बार। सबसेक्शन सीखो। किसी ऐसे स्थान का
जिसका कि कोई भाग विधि पूर्वक उपभाड़े पर दे दिया गया हो, मानक भाड़ा नियत करने पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उपभाड़े पर दिए गए भाग का मानक भाड़ा भी नियत कर सकेगा। ठीक है, तो अगर उपभाड़े पर पे दिया है तो उस भाग का जो उपभाड़े पर दिया गया है उसका भी स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करेगा? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। सबसेक्शन 4 देखिए, जहां किसी कारण से किसी स्थान का मानक भाड़ा उन सिद्धांतों पर जो धारा 7 के अधीन वर्णित है अवधारित करना संभव ना हो, वहां भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसा भाड़ा नियत करेगा जो उस स्थान की स्थिति, स्थानिकता अथवा अवस्था एवं उसमें दी गई सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और जहां उस स्थानिकता में वैसे ही या लगभग वैसे ही स्थान हो, वहां ऐसे स्थानों के संबंध में दे मानक भाड़े को भी ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हो। क्या कह रही है सबसेक्शन 4? एक बार इंग्लिश में पढ़ते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसेक्शन 4 में क्या आ गया है, वेयर फॉर एनी रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी एकोमोडेशन ऑन द प्रिंसिपल सेट फोर्थ अंडर सेक्शन 7। ये कह रहे हैं कि सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो वो कह रहे हैं कि यदि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करने के, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करने में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो क्या है पॉसिबल नहीं हो रहा है उसको, सेक्शन 7 में जो प्रिंसिपल्स बताए गए स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करने के, तो उस तरीके से स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो फिर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में फिक्स सच रेंट एज वुड बी रीजनेबल। तब फिर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैसे फिक्स करेगा, भाई सेक्शन 7 में जो प्रिंसिपल्स बताए हैं कि भाई इस तरीके से कर सकते हो, अगर हमने कंडीशंस पढ़ी थी सेक्शन 7 में कि अगर 1 जनवरी 1948 से पहले का मकान है, ऐसा कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, फिर हमने बहुत सारी और भी कंडीशन पढ़ी थी कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या रहने के लिए है तो इतना परसेंट इंक्रीज होगा, अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही सेक्शन 7 की, तो फिर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो मकान है उसका रेंट स्टैंडर्ड रेंट रीजनेबली तरीके से फिक्स करने के लिए क्या क्या ध्यान में देगा। देखो, हैविंग रिगार्ड टू, वो देखेगा द सिचुएशन, लोकेलिटी एंड कंडीशन ऑफ द एकोमोडेशन। तो वो एकोमोडेशन जो बिल्डिंग है उसका देखेगा कि वो कहाँ पे सिचुएट है, लोकेलिटी क्या है, कैसा एरिया है और कंडीशन क्या है मकान की, उसके हिसाब से। भाई हर सिटी में एरियाज डिवाइड होते हैं, आपने देखा हुआ जैसे भोपाल सिटी है या सागर है या कोई भी एरिया है, तो हर जगह की लोकेलिटी होती है, कहीं पर झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, कहीं पर बहुत हाई फाई लोग रहते हैं, कहीं पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो हर जगह का किराया लोकेलिटी सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। जो कोई बहुत हाई फाई सोसाइटी है, हाई फाई कोई जहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब वाले लोग रहते हैं, तो वहां पे जो मकान है वहां के किराया ज्यादा होंगे, झुग्गी झोपड़ी है वहां बिल्कुल ही लो किराया होगा, मीडियम है तो वहां पे मीडियम किराया होगा, तो वो सारी चीज देखेगा फिर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि भाई यहाँ के आसपास की लोकेलिटी कैसी है, सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, एंड द एमिनिटीज प्रोवाइडेड देयर इन, और एमिनिटीज मतलब मकान के साथ और क्या फैसिलिटीज दी जा रही है, एमिनिटीज मतलब मकान मालिक मकान में क्या दे रहा है, फर्नीचर भी दे रहा है साथ में, कोई और सुख सुविधा दे रहा है, भाई गाड़ी रखने की व्यवस्था है नहीं, तो सारी क्या क्या एमिनिटीज आपके मकान के साथ है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाएगा। एंड वेयर देयर आर सिमिलर और नियरली सिमिलर एकोमोडेशन इन द लोकेलिटी, और जिस लोकेलिटी में मकान किराए पर देना है तो क्या वैसा ही मिलता जुलता मकान या नियरली सिमिलर कोई मकान है उस लोकेलिटी में, तो उसका किराया कितना है उस मकान का ये देख लिया जाएगा कि भाई ये पड़ोसी वाला मकान है ये भी किराए पर है, बिल्कुल सिमिलर है, इसका किराया कितना है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रेंट जो है आरसी फिक्स कर सकता है। Having regard also to the standard rent payable in respect of such accommodation. तो ये सारी चीजें देख करके वो किराया फिक्स कर सकता है कब, यदि सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग बताए गए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है स्टैंडर्ड रेंट को। अगर धारा 7 में जो सिद्धांत बताए हैं उनके अनुसार किराया फिक्स करने में परेशानी हो रही है आरसीए को, तो आरसीए अपने आसपास का माहौल देख लेगा वहां पे कि कहां पे ये मकान स्थित है, आसपास की लोकेलिटी कैसी है, क्या क्या सुविधाएं दी गई है, मिलता जुलता कोई मकान उसका किराया कितना, ये सब चीज देख करके आरसीए फिक्स कर देगा। ठीक, अब सबसेक्शन 5 यहाँ से क्वेश्चन बनता है, द
स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स्ड फॉर अ टेनेंसी ऑफ 12 मंथ. तो जनरल रूल क्या है कि जो स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स किया जाता है वो 12 महीने के लिए फिक्स होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स्ड फॉर अ टेनेंसी ऑफ 12 मंथ. तो 12 महीने के लिए मानक भाड़ा जो है फिक्स किया जाता है. हिंदी में देखिए इसको सबसेक्शन 5 में, मानक भाड़ा 12 मास की अवधि के लिए नियत किया जाएगा. ठीक है, तो नॉर्मली जो फिक्स होता है स्टैंडर्ड रेंट वो कितने मंथ के लिए होता है, 12 मास के लिए हो सकता है. लेकिन प्रोविजो भी दिया है परंतु जहां अभिवृत्ति मासानुमासी हो या एक मास से कम की किसी कालावधि के लिए हो. लेकिन अब जहां पे कोई रेंट है वो कैसा है, मंथली है. मासानुमासी मतलब एक एक महीने के लिए देते हैं या एक मंथ से कम के लिए. कोई 15 दिन के लिए मकान लेने आया भाई, आया है कोई बाहर से व्यक्ति, उसको है कुछ काम, उसको ऐसी अर्जेंसी, 15 दिन के लिए मकान चाहिए, है ना. तो जहां पे 1 मंथ है या 1 मंथ से कम की है कालावधि के लिए हो, वहां ऐसी अभिवृद्धि के लिए मानक भाड़े का वार्षिक मानक भाड़े के साथ वही अनुपात होगा जो कि अभिवृद्धि की कालावधि का 12 मास के साथ हो. तो भाई सीधी सी बात, तो क्या करेंगे, प्रोपोर्शन निकाल लेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट 12 मंथ के लिए क्या फिक्स किया गया है, 12 मंथ के लिए, जो 12 मंथ का जो है उसका, उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन निकालेंगे कि भाई 12,000 रुपए किराया है 12 मंथ का, तो 1 मंथ का कितना हो गया भाई, उसका प्रोपोर्शन निकाल लिया 1,000 रुपए हो गया. 15 दिन का कितना हो गया, 500 रुपए हो गया. तो इस हिसाब से क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में दे देंगे. तो बस यही है कि जो नॉर्मली स्टैंडर्ड रेंट फिक्स होता है वो 12 मंथ के लिए होता है, लेकिन यदि जहां 1 मंथ या 1 मंथ से कम के लिए स्टैंडर्ड रेंट है तो फिर प्रोपोर्शन में जाएगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर द टेनेंसी इज फ्रॉम मंथ टू मंथ or for any period less than a month, the standard rent for such tenancy shall bear the same proportion to the annual standard rent as the period of tenancy bears to 12 months. So, jitna 12 month ka kiraya hoga, same proportion mein nikal liya jayega uski month ka. Theek hai, aisa nahi hai ki agar ek month ke liye diya hai to kiraya bada ke lenge. Bhaiya, lena hai to 12 month ke liye lo. Agar long term ke liye loge to kiraya 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, लेकिन यदि सिर्फ 1 मंथ के लिए लोगे तो हम 2,000 रुपए लेंगे. ऐसा नहीं होगा, वो कर लेते हैं लोग लेकिन ऐसा रूल नहीं है. ठीक है, तो जो 12 मंथ के लिए फिक्स किया जाता है उसी का सेम प्रोपोर्शन निकाल दिया जाता है. अब देखिए सबसेक्शन 6, इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन अंडर दिस सेक्शन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट देयर ऑफ इन एन unfurnished estate and may also determine any additional charges to be payable on account of any furniture supplied by the landlord, and it shall be lawful to the landlord to recover such additional charges from the tenant. क्या कह रही है सबसेक्शन 6? सबसेक्शन 6 में कहा गया है कि इस धारा के अधीन किसी स्थान का मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उसका मानक भाड़ा असुसज्जित अवस्था में नियत करेगा. मतलब जो मकान है जो किराए पर जाना है और आरसी को जो रेंट फिक्स करना है, तो वो कैसी कंडीशन में करेगा, असुसज्जित अवस्था में. मतलब जब वो फर्नीचर्ड नहीं है, तो जब उसमें कोई फर्नीचर नहीं दिया गया है तो अनफर्निश्ड कंडीशन में उसका किराया जो है फिक्स कर दिया जाएगा. तो आरसीए उसका अनफर्नीचर्ड कंडीशन का किराया स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर देगा, और कोई ऐसा अतिरिक्त प्रभार भी अविधारित करेगा जो कि भूस्वामी द्वारा प्रदाय किए गए किसी फर्नीचर के लिए देय हो. अब यदि मकान मालिक ने साथ में कोई फर्नीचर दिया है तो फिर उसके लिए एडिशनल चार्जेस जो है आरसीए एडिशनल चार्जेस जो है उसके लिए फिक्स कर सकता है कि भैया इनने फर्नीचर भी दिया हुआ है. और भूस्वामी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे अतिरिक्त प्रभार अभिधारी से वसूल करे, और लैंडलॉर्ड के लिए ये लॉफुल होगा कि जो एडिशनल चार्जेस हैं फर्नीचर के लिए वो उससे वसूल कर सकता है. ठीक, ये सबसेक्शन 6 में कहा गया है. ठीक है, कि स्टैंडर्ड रेंट जो आरसीए फिक्स कर रहा है वो कैसा फिक्स कर रहा है, अनफर्निश्ड स्टेट में, है ना. आरसीए सेल्स द स्टैंडर्ड रेंट देयर ऑफ इन एन अनफर्निश्ड स्टेट, और साथ में फिर वो एडिशनल चार्जेस डिटरमाइन करेगा जो किस चीज के लिए, जो उसने फर्नीचर, अगर लैंडलॉर्ड ने कोई फर्नीचर सप्लाई किया है तो उसके लिए. क्लियर,
एंड फॉर लैंडलॉर्ड टू और लैंडलॉर्ड के लिए ऐसा एडिशनल चार्ज रिकवर करना लॉफुल होगा, मतलब सेक्शन 6 के अंतर्गत ऐसा चार्ज अनलॉफुल नहीं होगा। अब देखिए सबसेक्शन 7, इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन अंडर दिस सेक्शन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई अ डेट फ्रॉम विच द स्टैंडर्ड रेंट टू फिक्स्ड शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट। अब जहां पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रहा है तो वो डेट भी बता देगा कि किस तारीख से जो स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स किया है मैंने वो किस तारीख से इफेक्टेड होगा, है ना। शैल स्पेसिफाई डेट फ्रॉम विच द स्टैंडर्ड रेंट तो फिक्स्ड शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट। इस धारा के अधीन किसी स्थान का मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी वह तारीख निर्दिष्ट करेगा जिस तारीख से वह मानक भाड़ा जो इस प्रकार नियत किया गया हो प्रभावशील हुआ समझा जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया गया है इसमें कि जो भी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया है आरसीए ने तो वो डेट भी बता देगा कि किस तारीख से अब ये किराया जो है लागू होगा। परंतु देखो अब डेट के बारे में एक प्रोविजन दिया है कि ये डेट कब की हो सकती है, परंतु किसी भी दशा में वह तारीख जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई हो मानक भाड़ा नियत करने के लिए आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख के पूर्ववर्ती 30 दिन के पूर्व की नहीं होगी। क्या कह रहे हैं, पहले इन्होंने सबसेक्शन 4 में क्या कहा कि आरसीए जो इस सेक्शन के अंदर स्टैंडर्ड एंड फिक्स कर रहा है तो स्टैंडर्ड एंड फिक्स करने के बाद वो डेट भी बताएगा कि किस डेट से अब ये स्टैंडर्ड रेंट जो है लेना है। लेकिन ऐसी जो डेट आरसीए ऐसी जो डेट फिक्स कर रहा है कि किस तारीख से ऐसा स्टैंडर्ड रेंट ऐसा मानक भाड़ा प्रभावशील होगा, ये डेट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखेगी। मतलब ये डेट कितनी पुरानी नहीं हो सकती। इस सेक्शन में हम फर्स्ट क्लॉज में क्या पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती है। तो इन्होंने कहा है कि आवेदन फाइल किए जाने की तारीख के पूर्ववर्ती 30 दिन के पूर्व की नहीं होगी। मतलब जिस तारीख को स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कराने के लिए किसी भी पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल की थी तो एप्लीकेशन फाइल करने के पहले के 30 दिन, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करने के पहले के 30 दिन के और पहले की डेट से कोई डेट नहीं होगी। सपोज कीजिए मैंने एप्लीकेशन फाइल करी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कराने के लिए 1 दिसंबर को, ठीक है, मैंने एप्लीकेशन कब फाइल करी, 1 दिसंबर को फाइल करी कि सर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दीजिए। तो अब आरसीए ने स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया कि भैया ठीक है स्टैंडर्ड रेंट आपका इस मकान का 5,000 रुपए है। अब ये 5,000 रुपए कब से लिए जाएंगे, अब वो डेट भी बताएगा। तो आरसीए कहेगा कि ठीक है मैं डेट भी बता दे रहा हूँ कि ये डेट कब से होगा। तो उन्होंने कहा जैसे 1 दिसंबर को फाइल किया था तो वो कह सकता है कि 1 दिसंबर से ये मैंने 5,000 रुपए फिक्स कर दिए, 1 दिसंबर से 5,000 रुपए आप दे सकते हो। ये डेट कितनी पुरानी नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं कि जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन फाइल की है, मतलब 1 दिसंबर को एप्लीकेशन फाइल की है, तो एप्लीकेशन फाइल करने की तारीख के पूर्ववर्ती 30 दिन, मतलब 1 दिसंबर से पीछे चले जाओ, बताइए नवंबर हो गया ना अंशिका? यस मैम, 1 नवंबर। 1 नवंबर, हाँ 30 दिन पहले। यस मैम, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर, यस मैम, वो क्या कह रहा है पूर्ववर्ती 30 दिन के पूर्व की नहीं होगी, मतलब 30 दिन के पहले की और पुरानी डेट नहीं होगी। मतलब 1 नवंबर से भी बोल सकता है, अगर हमने 1 दिसंबर को एप्लीकेशन फाइल की है तो 30 दिन पहले हो सकती है, लेकिन 30 दिन के पहले के भी पहले नहीं हो सकती है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब मैम 30 दिन के पहले की हो सकती है पर 30 दिन के पहले के पहले की नहीं हो सकती। इनका कहने का मतलब ये है आवेदन फाइल किए जाने की टोटल 30 डेज होने चाहिए। हाँ, आवेदन फाइल किए जाने की तारीख के पूर्ववर्ती 30 दिन के पूर्व, मतलब 1 दिसंबर को आपने एप्लीकेशन फाइल की, 1 दिसंबर को एप्लीकेशन फाइल करने के पूर्ववर्ती 30 दिन 1 नवंबर उसके भी पूर्व की नहीं हो सकती। मतलब 1 नवंबर तो हो सकती है लेकिन उसके और पहले की नहीं हो सकती, मतलब अक्टूबर की कोई डेट नहीं हो सकती, ठीक है। Yes, तो 30 दिन रिट्रोस्पेक्टिव की डेट हो सकती है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसमें है लेकिन कितना, ओनली 30 डेज, ठीक।
इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं. देखिए, in fixing the standard rent of any accommodation under this section, the rent controlling authority shall specify a date from which the standard rent so fixed shall be deemed to have effect, provided that in no case the date so specified shall be earlier than 30 days. Earlier than 30 days prior to the date of filling of the application for the fixation of the standard rent. तो जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन फाइल की है, तो एप्लीकेशन फाइल करने के प्रायर 30 डेज के भी अर्लियर, ठीक. तो जिस भी तारीख को एप्लीकेशन फाइल की, 1 दिसंबर को एप्लीकेशन फाइल की है, तो 1 दिसंबर पे जब एप्लीकेशन फाइल की, आरसी ने स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया, 5,000 रुपए देना है. डेट भी बता दी कि 1 नवम्बर से दे सकते हो, उसने और 1 महीने पीछे से ले लिया, ठीक है, 1 नवम्बर से ले लो आप स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन उसके और पहले के नहीं हो सकते, ठीक. क्लियर. ये हो गई आपकी सेक्शन कौन सी, सेक्शन 10 हो गई. इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए. सेक्शन 11 और देख लेते फटाफट, छोटी सी है. सेक्शन 11, फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट, अंतरिम भाड़ा नियत किया जाना, ठीक है. अब इंटरिम रेंट की बात हो रही है कि क्या अंतिम भाड़ा लिया जा सकता है. भाई ठीक है, आपने स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल की, अब एप्लीकेशन को पूरा डिस्पोज ऑफ होने में टाइम लग रहा है, तो जब तक क्या वेट करेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है जब तक आप क्या कर सकते हो, इंटरिम रेंट ले लो. तो इफ एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट और फॉर डिटरमिनिंग द लॉफुल इंक्रीज ऑफ सच रेंट इज मेड अंडर सेक्शन 10, द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल पेंडिंग फाइनल डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन मेक एज एक्सपीडिटियसली एज पॉसिबल अ प्रोविजनल ऑर्डर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ द इंटरिम रेंट. तो क्या करता है, इंटरिम रेंट देने के लिए प्रोविजनल ऑर्डर पारित करता है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है, ये ध्यान रखना कि प्रोविजनल ऑर्डर का प्रावधान कहाँ बताया गया है, सेक्शन 11, ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको. ये आ चुका है क्वेश्चन कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में प्रोविजनल ऑर्डर कौन सी सेक्शन के अंदर दिया जाता है, सेक्शन 11 में. क्यों दिया जाता है प्रोविजनल ऑर्डर, इंटरिम रेंट के लिए या इंटरिम लॉफुल इंक्रीज के लिए, टू बी पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड and shall appoint the date from which such interim rent or lawful increase so specified shall be deemed to have effect. Dono, hai na? Standard rent or section 8 ke antargat jo lawful increase karwa raha hai na, uske liye bhi application file hoti hai section 10 mein, dono ki ho rahi hai. So final decision dene se pehle, pending hai bhai final decision, time lag raha hai sort out hone mein, to jitna jaldi ho sake utna jaldi interim rent ke liye provisional order jo hai wo निकाल सकता है आरसीए, ये ध्यान रखना है, ठीक है. यदि भाड़ा मानक भाड़ा नियत करने या ऐसी भाड़े की विधिपूर्ण वृद्धि अभ्यास करने के लिए धारा 10 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, तो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी उस आवेदन पर अंतिम विनिश्चय होने तक यथासंभव शीघ्रता के साथ अंतिम आदेश जारी करेगा, जिसमें की अंतिम भाड़े या विधिपूर्ण वृद्धि की वह रकम निर्दिष्ट की जाएगी जो अभिधारी द्वारा भू स्वामी को संदत्त की जाएगी, तथा वह तारीख नियत की जाएगी कि जिस तारीख से अंतरिम भाड़ा या विधिपूर्ण वृद्धि जो कि इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है की गई हो प्रभावशील हुई समझी जाएगी. तो वो कितना देना है इंटरिम रेंट वो भी फिक्स कर देगा, और किस तारीख से देना है वो भी बता देगा. तो इसके लिए वो क्या जारी करता है, अंतिम आदेश. हिंदी में क्या है प्रोविजनल ऑर्डर के लिए, अंतिम आदेश, जिसमें क्या फिक्स होता है, अंतरिम भाड़ा या अंतरिम विधिपूर्ण वृद्धि, इंटरिम रेंट या इंटरिम लॉफुल इंक्रीज, ठीक. ये हो गया आपका सेक्शन 11 मींस एमपी एकोमोडेशन का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3, ठीक है. यस मैम. चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना. यस मैम. कल एनआई एक्ट की क्लास होगी, फिर परसों एकोमोडेशन. Okay, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Good night. Good night, ma'am.